अगर आप एक इंसान हैं, तो एक बेजुबान की जान भी आपकी जान है। धरती पर सिर्फ इंसान नहीं बसते, इंसान के अलावा प्राणियों की इतनी सारी प्रजातियां हैं कि ज्यादातर के नाम तो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। कभी जंगल जिनका घर हुआ करता था, आज वो हरे भरे घर शहर में तब्दील हो चुके हैं। टीवी और ट्रैफिक के शोर में इन प्राणियों की पुकार इंसान के कानों तक पहुंचने से पहले दब जाती है, या फिर हम अपने बिजी शेड्यूल में इनकी पुकार जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन बेजुबान जानवरों के लिए मदद की हर कॉल पर इनकी जान और हक की खातिर लड़ने को तैयार रहती है। पर वो कुत्ता आपको देना पड़ेगा। मैं आपको नहीं दूंगी कुत्ता। इधर चलेगी। नहीं चलेगी। फौना पुलिस। फौना पुलिस। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। वैसे तो किसी भारतीय वन्यजीव को घर में रखने पर 3 से 4 साल की सजा निर्धारित की गई है, लेकिन जब खुद सरकारी मुलाजिमों के घरों में ही इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, तो आप क्या कहेंगे? ये है सेंट्रल दिल्ली की रेलवे कॉलोनी। कॉलोनी कहे या घरों की शक्ल में एक एक पिंजरा। जी हाँ, जाने अनजाने में इस कॉलोनी के हर घर में एक एक तोता कैद था। जब पौना पुलिस को इस बात की भनक लगी, तो हम चल दिए अपने एक नए मिशन पर। मिशन था खुली हवा से परिंदों का रिश्ता बनाने का, आसमान के बाशिंदों को उनका आसमान दिलाने का। ले जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते। क्या करेंगे? इसने बताया आपको कि हमारे यहाँ तोते पले। घर घर जाकर सरकारी मुलाजिमों के घर वालों को तोते से जुड़े सरकारी कायदे कानून समझाए गए। कुछ खिला के खाओ, खोल के एक बार इसको। मेरे तो अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतने बार हमें हम कोई ये इसका कुछ नहीं, उसको रखा मुझे दे दो। सब देखते हैं तोता पाला, हमने अभी से थोड़ी पाला, हमने कब से पाल रखे तोते। कुछ जल्दी समझ गए। पिंजरा आपको अभी लौटा रहे। कुछ ने बहस की। मैं पुलिस बुला लूँ यहाँ, आप बताइए। मैं बिना कार्ड के लेके आता हूँ आपसे, है मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है इसको ले जाने के लिए। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, लड़के भी पीएफ है, दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, मैं ऐसा मैं बोल रही हूँ प्रधानमंत्री को मान लोगे क्या? नहीं, मेरे पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, तो उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है उससे जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये है कि हम पुलिस को पूरी दिल्ली के लेके जा रहे थे। कहाँ लेके जा रहे? शेल्टर लेके जा रहे। कहाँ साइड? एलिमेंट्री सेंटर है, बहुत जगह दिल्ली फ्रेंडली बोल है, जर्जर से गुड़गांव में है, पी एस पे है, पी एस ओ का सेंटर गांधी है, अंतर्राज्यीय। और आखिरकार हर घर से पौना पुलिस ने कम एक तोते को आजाद करवाया। इस तरह से पौना पुलिस ने एक बार फिर अपने मिशन को सफल बनाया। आज ज्यादातर जगहों पर तो इंसानों का कब्जा हो ही चुका है, लेकिन शहरों में इनके लिए जो कुछ बची कुची पनाहगाहें हैं, उन पर भी इंसानों की लालची निगाहें हमेशा टिकी रहती है। किसके नाम पे है ये घर? आप अगर डॉक्टर, झूठ मत बोलो, आपको ये सिखाया नहीं सर्जरी? अब इसको बेच देते हो ना प्लास्टिक? नहीं सर, जलाता है ये, लड़की जलाता है। दिल्ली का भामाशाह मार्ग बना इंसानी लालच की हद का गवाह। 1959 में क्रिस्टल रॉजर्स नाम की एक अंग्रेज महिला ने यहां द एनिमल फ्रेंड्स नाम का एक संगठन बनाया था, जिसके लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की ओर से अच्छी खासी जमीन सस्ते दामों पर लीज पर दी गई थी। लेकिन आज इस एनिमल शेल्टर पर एक नामचीन बिल्डर का कब्जा है। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम क्या है? पता नहीं, हमें कुछ
पता नहीं है। मालिक का नाम बताओ। पता नहीं मालिक का नाम है। मालिक का नाम क्या है? मुझे नहीं पता नाम है। तो मालिक का नाम तो बताओगे ना? नहीं हमें पता। जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को इस बात की शिकायत मिली तो AWBI और फौना पुलिस ने इस बात की जांच की तो कुत्तों की जगह इन छतों का आश्रय पाने वाले लोगों ने खुद ही सच बयां कर दिया। हाँ जी बाहर आइए, दो मिनट बाहर आइए। मकान किन के नाम पे? कंपनी के नाम पे। ये मकान कंपनी का है? मकान कंपनी ने दे रखा है। दरअसल कागजों में तो कोई स्टॉक शेल्टर का माली है तो कोई चौकीदार। मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर घास काटता हूँ। दो चौकीदार है, चार आदमी पाँच आदमी हम लोग, चार पांच आदमी। वो तो डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि 10 आदमी। लेकिन असलियत में यहाँ पूरी इंसानी बस्ती अपने पैर पसार चुकी है। जो काम करते हैं सर वही रहते हैं। आप यहीं रहते हैं? मेरे भाई एक महीना और यहाँ है। मैं भाभी भी हूँ। जबकि दूसरी ओर कुत्तों की देखरेख के नाम पर महज अंधेरी कोठरियाँ थी। जिस शेल्टर को खास तौर पर पीड़ित जानवरों की मदद के लिए बनाया गया था वहां की जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि ना तो वहां मान्यता प्राप्त डॉक्टर और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था थी, एक सिरिंज लेकर, और ना ही वहां निर्धारित तौर तरीकों से जानवरों का रख रखाव किया जा रहा था। सर्जन है आप, पैसे आप ABC कर लेते हैं इसलिए आपने सर्जन लिख दिया। नहीं लिए ना, तो फिर आप सर्जन लिख मेंशन कैसे कर सकते हैं? सर्जन आप लिख नहीं सकते जब तक आपने सर्जन नहीं हुआ। ये एनिमल केयर शेल्टर इंसानी लालच का जीता जागता सबूत है, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन को हथियाने के लिए पूरा जाल बिछाया गया। AWBI और फौना पुलिस की पहल पर आज इस शेल्टर की मान्यता रद्द कर दी गई है। यहाँ से भी कमा रहे हो आप, वहां से भी कमा रहे हो। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही कोई कार्रवाई करेगा और राजधानी के बेसहारा कुत्तों को उनका यह ठिकाना वापस मिल सकेगा। ब्रेक के बाद देखिए कौन है दीवार के उस पार, सुनिए उस मासूम की पुकार। अगर आप एक इंसान हैं, तो एक बेजुबान की जान भी आपकी जान है।